वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हाथी घोड़ा और मर्सिडीज AK-47 का शौकीन, वो बाहुबली नेता जिसने नीतीश को चांदी के सिक्कों से तोल दिया था। साल 2004, नीतीश कुमार बिहार की बाढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान लोक जनशक्ति पार्टी ने मोकामा के निर्दलीय विधायक सूरज भान सिंह को बलिया से टिकट दे दिया। नीतीश को एहसास हो गया था कि सूरज भान सिंह के लोजपा में जाने के बाद उन्हें चुनौती मिलेगी। वक्त के फेर को समझकर नीतीश एक ऐसे शख्स से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए मोकामा, जिसका गढ़ कहलाता था। ये शख्स था अनंत सिंह। अनंत सिंह से मुलाकात के बाद नीतीश से उनकी दोस्ती हो गई। अनंत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। चुनाव में नीतीश कुमार के कदम से कदम मिलाकर अनंत सिंह साथ चलते रहे। इसी दौरान बाढ़ संसदीय क्षेत्र में एक रैली हुई जिसमें नीतीश कुमार जनता को संबोधित कर रहे थे, मगर उस वक्त अनंत सिंह ने जो किया उसकी उम्मीद ना तो जनता को थी और शायद ना ही नीतीश कुमार को रही होगी। नीतीश जनता को अपने सुशासन के वादे समझा रहे थे, मगर इसके विपरीत अनंत सिंह ने नीतीश को भरी सभा में चांदी के सिक्कों से तौल दिया। विपक्ष ने नीतीश पर सवाल उठाए और नीतीश चुनाव हार गए। इसके बाद नालंदा सीट से वो चुनाव जीत गए थे। अनंत सिंह को 2005 में जेडीयू ने टिकट भी दिया था। अनंत सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जीतने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें फूलों की माला पहनाई थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद नीतीश और अनंत की दोस्ती नीतीश के लिए सरदर्द बनने लगी थी। बाहुबली अनंत सिंह पर दर्जनों केस दर्ज हुए। कभी उनका AK-47 लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ तो कभी पटना में संपत्ति को लेकर विवादों में रहे। पटना में रेशमा हत्याकांड में जब उनका नाम सामने आया तो सवाल पूछने वाले पत्रकार से मारपीट कर दी थी। यही नहीं, नीतीश सरकार के मंत्री से भी वो भिड़ गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार अनंत सिंह से किनारा करने लगे। अनंत सिंह 2015 में ही जेडीयू से अलग हो गए थे। उन्हें आरजेडी ने भी टिकट दिया था। 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के घर छापेमारी की गई। उनके घर से AK-47 और बम बरामद हुए। बाद में उन्हें दिल्ली में सरेंडर करना पड़ा। अनंत सिंह अपने अक्खड़ मिजाज, अजीबो गरीब शौक के लिए जाने जाते हैं। हाथी घोड़ा और गाय पालने के शौकीन अनंत सिंह को हथियारों का भी शौक रहा। उन्होंने सोनपुर मेले से एक बार लालू यादव का घोड़ा भी खरीद लिया था। कहा जाता है कि उन्हें एक शख्स की मर्सिडीज पसंद आ गई थी तो उन्होंने इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लिया था। अनंत सिंह लोगों से बिल्कुल ठेठ अंदाज में बात करने के लिए जाने जाते रहे। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।